यस करो करो करो, इसे परेशान करो, इसे परेशान करो। करो इसे हैरान करो लड़के को। छुट्टी नहीं कर दूंगा। हो किसे कह रहा है ये? क्या बोला तू? क्या बोला? क्या बोला? सुबह सुबह देखो इन लोग के क्या ड्रामे चल रहे हैं। अभी सब सो के उठे हैं, इट्स 10:30। रात को 2 बजे तक हमने धमाल मचाई है इसी रूम में। अरे मेरे अकेले बच्चे के पीछे दोनों पड़ गई, मेरा बच्चा अकेला, ओ बेचारा बैठ गया चुपचाप। हो वाटकी किधर है? दोनों वाटकी बाहर गई, छोड़ दिया तुझे अकेला। अकेला छोड़ दिया। अच्छा तू मेरी चम्मच भागो भागो भागो, अपनी कटोरियों के पीछे भाग गया। कटोरिया अभी की कटोरिया, अभी की कटोरिया। बहुत गुदी गुदी की यस यस यस। क्या कर रहे हो चूहे बिल्ली की तरह? अभी ये देखो सुबह सुबह हमारे लिए समोसे तल रही है। गुड मॉर्निंग, मैं चाय बनाऊंगी एज यूजुअल। ये कौन है? ये कौन? ये समोसे ये लोग बिल्ली मोरा से लेके आए हैं जहाँ ये रहते हैं, और बहुत टेस्टी। सो गाइस रिसेंटली मैंने चैलेंज लिया था मम्मा आर्ट के साथ, हैशटैग ग्लास स्किन चैलेंज, जो कि आप देख सकते हो ग्लास स्किन ग्लो कह सकते हैं, कोरियन ग्लास स्किन ग्लो, जैसे कि कोरियन स्किन होती है ना वैसा ग्लो नजर आ रहा होगा आपको, बिकॉज मैंने यूज करना स्टार्ट किया मम्मा आर्ट ने जो अभी न्यूली लॉन्च किया है ये वाला सिरम। जी हाँ ये वाला सिरम है, इसके अंदर है पावर ऑफ राइस वाटर एंड 10% नियासिनामाइड। राइस वाटर आपको ग्लास स्किन देगा, और जो नियासिनामाइड है वो आपके स्किन पे जो डार्क स्पॉट वगैरह होंगे उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइज इसके अंदर है राइस वाटर एंड 10% नियासिनामाइड, 98% प्योर राइस वाटर इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा है, मेड सेफ है, सभी स्किन टाइप को सूट करता है, तो ये बहुत अच्छा है गाइज। मैंने इसको यूज़ किया और आप देख सकते हो कितना बढ़िया वाला ग्लो आपको, कोरियन स्किन किसको नहीं अच्छी लगती, हर कोई चाहता है कि कोरियन स्किन ग्लो जो है वो हमें मिल जाए, तो इस सिरम के साथ ये पॉसिबल है। मैं आपको बता देती हूँ मम्मा आर्ट मेरा फेवरेट ब्रांड है, और आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, बहुत सालों से मम्मा आर्ट के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और टाइम टू टाइम इनके प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो मुझे क्यों पसंद है, बिकॉज ऑल मम्मा आर्ट प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल, और ये एक इंडियन ब्रांड है, यानी कह सकते हैं प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। ये कहां कहां पे इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मम्मा आर्ट की वेबसाइट और ऐप दोनों पे, ठीक है? आप वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो, ऐप से भी बाय कर सकते हो, और जो कूपन कोड है वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, वो भी आप मम्मा आर्थ की ऐप और वेबसाइट दोनों पे एप्लीकेबल कर सकते हो, दोनों पे लगा सकते हो फॉर 20% डिस्काउंट, और नियर बाय स्टोर्स पे भी आपको मिल जाएगा, अब तो नियर बाय स्टोर्स भी आपको आपके सिटी में मिल जाएंगे मम्मा आर्थ के। सो ये अवेलेबल है मम्मा आर्थ की वेबसाइट और ऐप दोनों पे, Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल, यहां पे आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये वाला कूपन कोड अगर आप लगाएंगे YouTuber2024 तो आपको मिलेगा 20% ऑफ, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा ये कूपन, आपको बाय करना पड़ेगा मम्मा आर्ट की वेबसाइट या ऐप पे से, तब आपको ये कूपन एप्लीकेबल होगा। सो गाइज ये है मम्मा आर्ट राइस वाटर ड्यूई एक्टिव सिरम, Enriched with the goodness of pure rice water, the serum deeply hydrates your skin and adds a glass-like glow. 10% niacinamide targets dark spot and pigmentation, resulting in an even skin tone.
साथों साथ इसके अंदर हाइलूरोनिक एसिड है जो कि मॉइस्चर को लॉक करता है, कीपिंग योर स्किन हाइड्रेटेड ऑल डे लॉन्ग. द बेस्ट पार्ट जो है, दिस मेड सेफ सर्टिफाइड सीरम इज फ्री ऑफ टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल केमिकल्स, मेकिंग इट सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है. राइस वाटर आपको ब्राइटन करेगा आपके स्किन को और ग्लास लाइक ग्लो देगा. नियासिनमाइड रिड्यूस करेगा डार्क स्पॉट को और इवन स्किन टोन देगा. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आप एवरी डे इसे यूज़ कर सकते हो. और आप ग्लो देख सकते हो, कितना जबरदस्त वाला ग्लो दिख रहा है आपको मेरे फेस पे. सो बस जैसे कि आपने फेस वॉश किया, यू नो इनका फेस वॉश भी इस रेंज में, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. और फेस वॉश करने के बाद आपको सीरम अप्लाई करना है. ममार्थ की एक खास बात, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम दैम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर्स एंड द स्पेसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू. ममार्थ वालों ने अपनी एक ऐप भी लॉन्च की है, यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स. तो आप ग्लो तो देख ही रहे हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. मुझे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, आपको भी अगर पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, चेकआउट कर लेना. और एक चीज आपको बता देती हूँ कि आप इस सीरम के साथ यूज कर सकते हैं ममा अर्थ का राइस वाटर फेस वॉश, राइस वाटर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. लगाना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो यहाँ पे मेरे पास है इनका अगेन ममा अर्थ राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन, यानी कि राइस वाटर वाला सनस्क्रीन ऐसे कुछ पैकेजिंग में आता है. और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसके अंदर भी अगेन राइस वाटर और नियासिनमाइड है. SPF 50 PA प्लस 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 है इसके अंदर. मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सभी स्किन टाइप को सूट करता है. और सन प्रोटेक्टेड ग्लास स्किन आपको मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली सीरम इतना अच्छा है, उसके बाद जब आप ये सनस्क्रीन लगाएंगे तो इसके इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे. सो मुझे तो ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं, अगर आपको भी अच्छे लग रहे हैं ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक चेकआउट कर लीजिए. इस तरह का कुछ बॉटल है, देखिए यूज करना बहुत आसान है. सनस्क्रीन को सिंपली पंप करना है एंड प्रोडक्ट इस तरह से बाहर आ जाता है. तो ये है इनका सनस्क्रीन. इसके टेक्सचर की बात करें, बहुत लाइट वेटेड है. अगेन इसके अंदर राइस वाटर और नियासिनमाइड है. सो आप इसे सीरम को अप्लाई करने के बाद में आप सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें. सनस्क्रीन को अपना एक डेली रूटीन में आप शामिल कर लें, जैसे मैंने इसको शामिल किया है अपने डेली रूटीन में. और रिजल्ट्स मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं और आप भी देख सकते होंगे. जो भी है वो बिल्कुल ट्रू है, कैमरे का कोई कमाल नहीं है, ये नॉर्मल कैमरा मेरा ऑन है. सो बहुत अच्छा सीरम है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रही हूँ और ये सनस्क्रीन का भी लिंक छोड़ रही हूँ, चेकआउट कर लीजिए. देखिए सनस्क्रीन लगाते के साथ बिल्कुल ड्राई अप हो गया है, एकदम ड्राई अप हो गया, यानी एब्जॉर्ब हो गया, लाइट वेटेड है. सो सीरम भी लाइट वेटेड है और ये सनस्क्रीन भी लाइट वेटेड है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा. लव यू. तो किचन में आज समोसे का प्लान है, बस गर्मा गर्म समोसे और चाय, ये हमारा संडे का ब्रेकफास्ट हुआ था. मुझे ना एक कमेंट आया है अमीन ब्लॉग्स 009 आईडी से, जब आप कभी रिप्लाई नहीं करते तो मैं कमेंट क्यों करूं, बेकार है फिर. आई एम सॉरी डियर. देखो मैंने व्लॉग में आपका कमेंट पढ़ लिया और मैं ज़रूर से रिप्लाई करूंगी. कई बार रूटीन बड़ा बिजी हो जाता है, क्योंकि अब इंस्टाग्राम के भी कोलैब होते हैं, उसके रील भी होते हैं, घर का भी काम होता है, यूट्यूब के वीडियोज़ भी होते हैं, तो रह जाता है कभी कभी. और मेघा कोई आईडी है जो लिख रही है, दीदी आप जो पहनती हूँ ड्रेस का कुर्ती का सूट का हॉल बनाओ पहले, और जो भी खरीदते हो वीडियो बनाती थी आप पहले, अब क्यों नहीं करती. यू आर सो स्वीट. ठीक है मेघा, मैं बना दूंगी हॉल वीडियो, है ना. निधि मकौन का भी बहुत प्यारा कमेंट आया है, लव यू डियर सो मच. मम्मी हमने सबके नाम रखे, यू आर डोरामी, मैं डोरेमोन, डोरेमोन की बहन होती है डोरामी, फिर शी सिजुका, अभी नोबिता, वो सुनियो है, वो जो बाहर है ना बदमाश, वो बदमाश है सुनियो, इसलिए वो सुनियो. एंड पापा जियान. मम्मी हाँ बेटा, कोई घर में मेहमान आता है उससे काम करवाती हूँ, दफ्तर में मेहमान बताओ मेहमान से सही ना. हटा, और लगेगा, और लगेगा. वीडियो ले रही हूँ वीडियो. यस गाइस, यो यो. आई होप आप लोगों ने मस्ती वाले व्लॉग्स एंजॉय करे हो, और कर रहे हो तो, और नहीं कर रहे हो तो आई एम रियली सॉरी. बंद क्यों कर दिया म्यूजिक? आई वॉज डांसिंग. कुछ लोगों ने लास्ट व्लॉग पे अजीब सा कमेंट करा है, फुकरापंती की दुकान एंड ऑल, और सोशेबाजी, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं. अरे यार, ये सोशेबाजी, ये फुकरापंती लग रही है आपको? इंसान खुल के जी रहा है वो भी पसंद नहीं आ रहा, और एक तरह के व्लॉग डालो तो बोलते हैं एक ही तरह के व्लॉग डालते हो, मतलब किसी तरह चैन ही नहीं लेने देना, ये क्या तरीका है. बाय द वे कुछ लोगों को मेरा गाना गाया हुआ बहुत अच्छा लगा था,
थैंक यू सो वेरी मच. और कुछ ने पूछा बेटा कहाँ है, भाई बेटा भी घर में ही है, कहाँ जाएगा. और अभी अभी जो आपने क्लिप देखी ना, वो ऐसे ही मस्ती कर रही थी, मतलब मोनिका जो है अपने हस्बैंड की चोटी बनाने की कोशिश कर रही थी, छोटी सी पॉनीटेल जो कि बन नहीं पाई क्योंकि इसके बाल बहुत छोटे हैं. और ये लोग दोनों पता है ये बच्चों के साथ ना बच्चे बन जाते हैं दोनों, ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लगती है. इंसान ने ना ऐसी होना चाहिए, हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है जो किसी न किसी दोस्त के आगे ज़रूर बाहर निकलना चाहिए. और ये ज़ूक का बैग ये मैं गिफ्ट कर रही हूँ मोनिका को. ये अभी कुछ ही दिन पहले कोलैब के लिए आया था, मैंने शो करा था आपको, फिर मैंने उठा के रख दिया था. और ये मैंने मोनिका के लिए ही उठा के रखा था. और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर दी है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ काली वाली दाल. आज लाइट ही खाएंगे, रीज़न मैं आपको कैमरा पे बताती हूँ. मीनाक्षी रोटी बनाने आ चुकी है, दाल जो है मेरी उबल चुकी है और कुछ ऐड ऑन करेंगे, देखते हैं क्या होता है. और गाइस देखो यहाँ क्या चल रहा है, ये सीन इतना मज़ेदार था ना. यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटो खींचे थे और देखो हवा कितनी बढ़िया चल रही है. पंखा नहीं चला रखा लेकिन बाहर से हवा बहुत बढ़िया आ रही है. हमारे घर में हवा बहुत अच्छी आती है क्योंकि वेस्टर्न साइड पे विंडो है, बालकनी है और कोस्टल एरिया के पास हम लोग रहते हैं, जिस वजह से हवा वगैरह बहुत है. और ये सारे लोग यहाँ पे बैठ के क्या खेल रहे हैं, चलो आप देखो मज़ा आएगा आपको. सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं देखो. और ये बैठे हमारे टीचर बनियान में बैठे हुए टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं हाउसी गेम. ये देखो सबसे सिंसियर बच्चा ये है जो बहुत बदमाश है, चपचे नौती है. ये सेकंड नंबर पे नौती बेबी ये है, 3434. ये तो बहुत प्यारा बच्चा है. और ये सरदार है सबका, शैतानों का. 4343. फिर आगे 1818. देखो वो अपने सर को दिखाने आया, सर मैंने बराबर लिखा क्या? कितने बजे देखो, 2 बजे ये लोग हाउसी खेल रहे हैं. अभी खाना नहीं खाया किसी ने भी. मैंने बनाई है ब्लैक दाल का. कल से लेके अब तक इन लोगों ने लूडो, फिर वो कौन सा गेम होता है ऊनो, फिर हाउसी और भी बहुत से गेम खेले इन्होंने. ये सब देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंसान है ना पूरा फ्रेश हो जाता है. स्टूडेंट चुपचाप लिखो. सर के पास एक डंडा भी है, छुपा के रखा है. आपको पता है? ओके. और ज़िंदगी में रखा क्या है, ज़िंदगी के थपेड़े खा खा के हमारे ज़िंदगी का सफ़र यहाँ तक पहुँचा है. कुछ फ्रेंड्स के सहारे, घर वालों के सहारे इंसान जी लेता है, हंस लेता है, बोल लेता है. घर वाले इतना दूर हैं तो बस फ्रेंड्स ही होते हैं जिनका सहारा होता है. बहुत अच्छा लग रहा था इनको खेलते हुए देख के, मतलब मैं नहीं खेली लेकिन देख के मुझे जो खुशी मिल रही थी ना वो अलग ही थी. इनमें से सिर्फ मोनिका और विवेक नहाए हुए हैं, मैं जा रही हूँ नहाने और इनमें से कोई नहीं नहाया. ये तीन बदमाशों में से सब बिना नहाए बैठे हैं दोपहर के 2 बजे तक. मैं तो जा रही हूँ नहाने. बाय बाय गाइस. तो मैं भी नहा के आ चुकी हूँ, सारा खाना बना के रखे गई थी और ये लोग आ गए. अभी भी हाउसी खेल रहे हैं, आपने देखा कितनी मस्ती चल रही है, छोटे छोटे बच्चों की तरह ये लोग हाउसी खेल रहे हैं. कल रात भी इन लोगों ने 2:30 बजे तक हाउसी खेला है, वापस से हाउसी खेलने बैठ गए. मीनवाइल मैंने सारा काम निपटा दिया, भाभी भी चली गई है काम करके. और आज मैंने ब्लैक दाल बनाई है. दाल मतलब ब्लैक दाल के साथ वैसे सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत टेस्टी लगती है इट्सेल्फ. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, मसूर की साबुत दाल. और ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं था क्योंकि कल रात हमने बहुत हैवी फूड खाया है. हम सब साथ में बैठे थे तो जो कुणाल है वो नॉनवेज खाता है, वो अपने लिए लेके आया था बाहर से, हम तो नहीं खाते. हम लोग हमारे लिए सब्जियाँ लाए थे दो, और दाल चावल यहाँ बने थे और रोटी यहाँ बनी थी. तो रात काफ़ी हैवी हो गया था क्योंकि थोड़े से स्टार्टर्स वगैरह भी पहले खाए हमने मंगा के, और काफ़ी हैवी हो गया था. तो और सुबह में भी हमने अभी समोसे खाए और सबने 4-4, 5-5 समोसे खाए. तो अभी हम लाइट फूड इसीलिए दाल बनाई है सिर्फ. तो अभी कुणाल और विवेक अपने लिए बाहर से कुछ लाने वाले हैं, कुणाल को कुछ खाना है. नवसारी कभी कभी आता है, नवसारी की कुछ चीज़ें इसको पसंद है तो इसीलिए यहाँ बन गई है मेरी ब्लैक दाल. ये रहा कुकर, ये रहे चावल, रोटी, काली दाल. अब खाना खाएंगे बस, और फिर शाम को देखो कहीं बाहर जाए तो ये लोग आज वापस जाने के लिए बोल रहे हैं. हम लोग बोल रहे हैं एक दिन और रुक जाओ, कल ही तो आए थे और आज जा रहे हैं, पता भी नहीं चलता कैसे टाइम चला जाता है. इन लोग के साथ हमारा बॉन्ड ऐसे हो गया है ना, नाउ वी आर ए फैमिली. मतलब वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर फैमिली. कुछ लोगों के साथ ऐसे हो जाता है और होना चाहिए लाइफ में, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए मतलब जिनसे आप दिल की बातें कर सको. और जिस एज में हम लोग हैं उस एज में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए हर किसी को ज़रूरी है फ्रेंड्स का होना, सच में. इसमें अभी मैं धनिया वगैरह डालती हूँ, पूरी रेडी हो चुकी है, अभी गर्म होगी प्रॉपर. और इसमें पड़ेगा ऊपर से धनिया,
और धनिए के साथ साथ थोड़ा सा देसी घी भी पड़ेगा, या ऊपर से एक मिर्ची वाला तड़का मैं फिर से लगा दूंगी। तो ये हमारा लंच, अभी सैलेड अभी काटेगा और बटर मिल्क नीचे से लेके आएगा अभी। और आज विवेक दुकान पे भी नहीं गए क्योंकि ये लोग थे, इसीलिए संडे का दिन है, आज संडे है, सैटरडे संडे साथ में स्पेंड किया हम लोगों ने और कल हमने बहुत मस्ती काटी है। मतलब सच में पूरा जो इंसान है ना 15-20 दिन का थका हुआ होता है ना, वो फ्रेंड्स के साथ रिफ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे भी सारा सब कुछ फिनिश्ड है, घर पूरा साफ पड़ा। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स के साथ महीने में एक बार एटलीस्ट, या मैं 2 महीने में एक बार तो एटलीस्ट चिल करो। ये जो जितना भी प्रेशर होता है बिजनेस का, कामों का, ज़िंदगी की थकान, तकलीफ, दुख, सब हल्के हो जाते हैं दोस्तों के साथ। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना। तो हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है कल, सब तक ना हम लोग हंस ही रहे, हंस हंस के पेट में दर्द हो गया कल रात भी कि ये जो कुणाल है ना, ये बहुत मस्ती वाला बच्चा है और बहुत मस्ती काटता है। मतलब हम लोगों की तरह ही है, जिंदा दिल, ज़िंदगी जीनी चाहिए जिंदा दिले से, क्या पता कब क्या हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने सब ने साथ में बैठ के कुछ सीरीज़ वगैरह देखे, एंजॉय करा, और लास्ट में ये सारे के सारे चारों, यानी प्रिशा, अवि, मोनिका और कुणाल गए थे मार्केट 2 बाइक लेके, और फिर ये लेके आए गुलाब जामुन। तो आप भी आ जाओ, मुँह मीठा कर लो। इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा दिन बहुत अच्छा गया। और शाम को हमने क्या किया वो अब मैं डालूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग लाइक कर देना गाइज़, और नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए।